हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। टुडे आई विल टीच यू प्रीडिसेसर नंबर। इट इज आल्सो कॉल्ड बिफोर नंबर। ठीक है, प्रीडिसेसर नंबर को हम बिफोर नंबर भी कहते हैं। बिफोर नंबर मींस वन लेस देन। ठीक है, मींस एक नंबर कम। जैसे मैं आपसे 10 है, ठीक है, 10 एक नंबर है, 10 का बिफोर नंबर क्या होगा? एक कम होगा। ठीक है, 10 का एक कम क्या होगा? 9। मींस 10 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 1 लेस देन, 1 कम। ठीक है, उसे हम बिफोर नंबर कहते हैं, पहले का नंबर। जैसे आपको पता होगा भाई 7, ठीक है, 7 से पहले क्या आएगा? 1 कम क्या होगा इसका? 6। सभी को पता है 7 से पहले क्या आएगा? 6। ठीक है, और 7 का बिफोर नंबर 6 है। और 7 से अगर 1 नंबर कम कहें कि 1 नंबर कम कर दें तो बताओ कितना आएगा? तो क्या आएगा हमारा? 6। तो कहने का मतलब क्या है, बिफोर नंबर मतलब क्या होता है, प्रीडिसेसर नंबर मतलब क्या होता है? 1 लेस देन नंबर। ओके, मतलब कि 1 नंबर कम। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि 1 लेस करना है। अब 34 से पहले क्या आएगा? सोचिए, 1 कम करना है 34। काउंटिंग सभी को आती है, क्या आएगा? 33। क्या आएगा? 33। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? 33। ओके, अब देखिए क्या है आगे, 460। तो 400 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 60 से पहले क्या आता है? 60 से पहले क्या आता है? 59। तो क्या आ जाएगा हमारा? 459। ठीक है, एक दूसरा तरीका देखिए, जो जीरो वाले नंबर होते हैं, ठीक है, बिफोर नंबर में क्या करते हैं, जो जीरो वाला नंबर होता है, जितनी जीरो होती है उतना तो हम 9 लगाते हैं। अब इसमें देखो क्या है, 10 है, तो हमने 19 लगा दिया। ठीक है, और जो इससे पहले का नंबर होता है, जस्ट इससे पहले का, उसमें से 1 कम कर देते हैं, मतलब 6 है तो 5 कर देंगे, 4 है तो 3 कर देंगे, और 3 है तो 2 कर देंगे, और बाकी नंबर सारे सेम रहते हैं। देखिए, हमने 0 का क्या बनाया? 9 बनाया, 6 का एक नंबर कम करा तो क्या आया? 5, और बाकी नंबर वैसे का वैसे रख दिया। ठीक है, या तो हम इस तरीके से कर ले सिंपल सा, या दूसरा तरीका एक है भाई, 460 में से हम 1 माइनस कर दें। सिंपल, 460 में से 1 माइनस करके देखो, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, जीरो में से 1 नहीं जा सकता, बोरो लेंगे, यहां हो जाएगा 10, यहां हो जाएगा 5। 10 में से 1 गया 9, 5 का 5 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा। देखो 459 आ गया। ठीक है, हमें लेकिन काउंटिंग से ही करना है, काउंटिंग आप सभी को आती है। ठीक है, हमारे तरीके बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको सारे तरीके बताए हैं इस चीज के लिए। ठीक है भाई, 460 को हम कैसे कर सकते हैं? अब क्या है हमारे पास? 459। नेक्स्ट देखो क्या है, 3492। बहुत इजी है ये तो आपके लिए, 3491। ओके, 3491। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए 4000 आ गया। ठीक है, अब हम इसको जीरो वाले से करके देखते हैं, देखो होता है या नहीं होता। कितने जीरो है यहाँ पे? 1, 2, 3। हम 3 ही 9 लगा देते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, जस्ट इससे पहले वाले नंबर में से क्या करना है? 1 लेस करना है। तो 4 में से अगर 1 लेस करूंगी तो कितना आ जाएगा? 3। तो 4000 का बिफोर नंबर क्या होगा? 3999। ठीक है, एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या बताया मैंने, इसमें से 1 माइनस कर दो तो भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, और हमें काउंटिंग भी आनी चाहिए, तो 4000 से पहले क्या आता है? 3999 आता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्या है, 3500। अब देखो ये भी जीरो वाला आ गया, बहुत इजी बन गया आपके लिए। तो क्या करोगे? 20 है तो क्या लिखोगे? 29। और वैसे भी अगर करोगे तो क्या है? 3500। 500 से पहले क्या आता है? 499। तो हम क्या लिखेंगे? 3499। ओके, और हम जीरो वाले से करते तो भी हमारा सेम आंसर आता, 20 है तो 29 लगा दिए। ठीक है, 5 से
फाइव में से वन नंबर कम करना था, फोर लिख दिया, बाकी नंबर वैसे का वैसे ही रहता है, कितना आ गया 3499। और अगर हम वन माइनस कर देते तो भी हमारा सेम ही आंसर आता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए 45,340 से पहले क्या आता है, 39। तो क्या लिखेंगे 45,339। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तो बहुत इजी है 87,549 के पहले क्या आ जाएगा 87,548। ठीक है, ऐसे ही ये है 1,34,500। जीरो वाले के तरीके से कर सकते हैं हम इसको, या वन माइनस करके कर सकते हैं। तो क्या क्या करेंगे, पहले तो टू जो जीरो है उसमें क्या लिखें, 29 लिखें, इससे पहले वाले नंबर में से एक वन माइनस कर दें, क्या आएगा 4, और बाकी सारे नंबर वैसे के वैसे ही, बहुत इजी है। ठीक है, या वन इसमें से माइनस कर दें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।